हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर ट्वेंटी अक्टूबर स्टार्ट करेंगे हम एमसीक्यू से फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेट बेस्ट गवर्न स्टेट डिक्लेयर की गई है इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा सेकंड है फिफ्थ साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस ये कहाँ होने जा रही है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जयपुर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड under living green for climate change category इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेक्सिको और इसमें अपने याद क्या रखना है कि हैदराबाद जो है हैदराबाद को अवार्ड मिला है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की कैटेगरी में फोर्थ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट है इंटरपल्स 90थ जनरल असेंबली विल बी हेल्ड इन इंडिया ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में दैन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम द मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली टेकिंग प्लेस इन इंडिया ये गलत स्टेटमेंट है इससे पहले भी जनरल असम्बली की मीटिंग हुई है 1997 में तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज वन ओनली करंट अफेयर्स देखते हैं आज के इंडिया का रैंक आया है 51 वन इन द इंटरनेट फ्रीडम और ये रैंकिंग कौन रिलीज करता है एक यू गवर्नमेंट फंडिड एन है एन का नाम है फ्रीडम हाउस और इंडिया ने काफ़ी इनिशियेटिव लिए थे डिजिटल डिवाइड को क्लोज करने के लिए और इस वजह से इंडिया का जो स्कोर है वो तो दो पॉइंट इम्प्रूव हुआ है 2021 में इंडिया का स्कोर था 49 और इस एन ने ये भी डिस्कवर किया कि इंडी इंटरनेट फ्रीडम जो है वो कंटिन्यूसली ट्वेल्थ ईयर में भी डिटेरियोरेटेड देखने को मिली खासकर रशिया म्यांमार सूडान और लिबिया जैसी कंट्रीज़ में इन कंट्रीज़ में बिगेस्ट डिक्लाइंस देखने को मिले और एज पर द रिसर्च चाइना जो है वर्स्ट इंटरनेट फ्रीडम कंडीशन जो है चाइना में देखने को मिली और यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंटरनेट फ्रीडम है उसमें कुछ इंप्रोवाइजेशन देखने को मिला फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट सिक्स ईयर्स नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और एक चेयरमैन को अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इससे रिगार्डिंग किशन गंगा एंड रेटल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्या हुई थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं इन दोनों हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर और ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इंडस वाटर ट्रिटी जो 1960 में साइन हुई थी उससे रिलेटेड है इस ट्रिटी के अंडर क्या था कि अगर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच ट्रिटी की किसी भी प्रोविजन को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो वर्ल्ड बैंक जो है इन दोनों कंट्रीज़ में मेडिएट करेगा और माइकल लाइनो जो है ये चेयरमैन है इंटरनेशनल लार्ज टैम कमीशन के इनको न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है इसके अलावा चेन मुरफी जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को कहा था कि वो फैसिलिटेट करे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ताकि उनके कंसर्नस हैं पाकिस्तान के जो कंसर्नस हैं विद रिस्पेक्ट टू तो दीज टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वो एड्रेस हो सकें और ईस्टर्न रिवर्स जो हैं जैसे कि रावी ब्यास सतलज इसका कंट्रोल इंडिया को दिया गया था इस ट्रीटी के अंडर वेस्टर्न रिवर्स जो हैं दैट इज इंडस झेलम एंड चेनाब इनका कंट्रोल्स पाकिस्तान को दिया गया था डिटेल में पढ़ लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी मेडिएट किसने करवाई थी वर्ल्ड बैंक ने और साइन किसने की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेजिडेंट अयूब खान इसने इस ट्रीटी के अंडर वेस्टर्न रिवर्स जो थी दैट इज़ इंडस झेलम एंड चेनाब ये अलॉट की गई थी पाकिस्तान को ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है सतलुज रावी एंड ब्यास ये अलॉट की गई थी इंडिया को इस ट्रीटी के अंडर इंडिया जो है इन रिवर्स के फ़्लो को रिवर्स का जो फ़्लो है उनको उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा जो पाकिस्तान को असाइन हुई है बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया इन रिवर्स के ऊपर इस्टैब्लिश कर सकता है बट यहाँ पे ये कंसिडर करना था कि पाकिस्तान में जो रिवर्स का फ्लो जा रहा है वो किसी तरह से इम्पेक्ट ना हो और इस प्रोविज़न के अंडर इंडिया जो है उसने रेटल एंड किशन गंगा प्रोजेक्ट जो थे वो इस्टेब्लिश किए इन रिवर्स के ऊपर नेक्स्ट देखते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ये इकट्ठे हुए हैं और ये फोकस करेंगे फॉर इन्हेंसिंग द रीच ऑफ फाइनेंशियल सोल्यूशन टू लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी कि कैसे फाइनेंशियल सोल्यूशन जो है वो लार्जर सेक्शन जो है सोसाइटी का उन तक लेकर जाया जा सके इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है और रैपिड एडवांसमेंट हो रही है ख़ासकर जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है लोगों ने और इसमें एक प्रॉब्लम क्या रह गई है कि अभी भी बहुत बड़ा एक सेक्शन है इंडियन सोसाइटी का जो फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल नहीं कर पा रहा है इसके अलावा कुछ माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसिस हैं वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल नहीं कर पा रहे हैं और यूनिवर्सल एक्सेस जो है इस फाइनेंस को लेकर ये क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है किसी भी सोसाइटी की इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए इसीलिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब ने प्लान किया है ये मिलकर क्या करेंगे प्लान करेंगे डिज़ाइन करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स प्रोवाइड करेंगे ताकि ये जो गैप है उसको ख़त्म किया जा सके डिजिटलाइज सर्विसेज जो, जो हैं वो कस्टमर्स के डोर स्टेप तक पहुंचाई जाए कोलैबोरेशन जो है ये एक्सप्लोर करेगा ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका इम्पेक्ट मासिस के ऊपर देखने को मिलेगा जैसे कि डीप रूरल रीच जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वो बढ़ाई जाए ताकि रूरल फाइनेंस जो है बिलियंस ऑफ इंडियंस को प्रोवाइड किया जा सके इसके अलावा एक्सेस जो है सस्टेनेबल एंड सिक्योर फाइनेंस सर्विसेज की वो भी हर एक सेगमेंट जो है सोसाइटी का उन तक पहुंचाई जाए थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में पढ़ लेते हैं ये होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की सेटअप किस लिए की गई थी ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है प्रमोट किया जा सके जिससे कि इनोवेशन जो है फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सेलरेट की जा सके बढ़ाई जा सके ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इसमें फाइनेंशियल इको के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कोलेबोरेट होते हैं और एड करते हैं कि एक फॉरवर्ड लुकिंग इनोवेशन स्ट्रेटजीज जो हैं उनको डेवलप किया जा सके और जो मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज जो हैं कंसर्निंग इश्यूज जो हैं इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर के उनको एड्रेस किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन जो एक फोकल पॉइंट की तरह है जो एक ग्लोबल इनोवेशन हब की तरह एक्ट करती है कि इंडिया को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाया जा सके और इसके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स फिनटेक इनोवेशन हब्स पॉलिसी मेकर्स टेक्नोलॉजिस्ट अकेडमिया एंड इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे कोलेबोरेट करते हैं और इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं देन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये स्टैब्लिश किए किए गए थे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विथ हंड्रेड परसेंट इक्विटी किसकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए थे ये सेप्टंबर वन टू थाउजेंड एटीन बैंक जो है ये सेटअप किए गए हैं इसका विजन क्या है कि एक मोस्ट एक्सेसिबल अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक जो है आम आदमी के लिए बनाना फंडामेंटल मैंडेट क्या है इसका कि जो बैरियर्स हैं अनबैंक्ड अंडर बैंक जो सेक्शन है लोगों का उन तक बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा सके नेक्स्ट देखते हैं फोर्टीनथ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव बिजनेस प्लेटफॉर्म है ये स्पाइस सेक्टर का फोर्टीन वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बाइनियल इवेंट है दैट मीन्स दो साल में एक बार आता है ये इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है स्पाइसी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद वेरियस ट्रेड एंड एक्सपोर्ट फॉर्म और ये कहाँ पे होने जा रहा है सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर नवी मुंबई दैट इज इन महाराष्ट्र से 18th 2023 के बीच में ये होगा एक प्रीमियर प्लेटफॉर्म है जो साथ लेकर आता है ग्लोबल स्पाइस इंडस्ट्री को और ये डेलीब्रेट करते हैं विचार विमर्श करते हैं इस इंडस्ट्री से जुड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं जैसे कि प्रोडक्शन हो गया प्रोसेसिंग हो गया वैल्यू एडिशन क्वालिटी एंड सेफ्टी ट्रेड एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन सभी चीज़ों के ऊपर डेलीब्रेशन की जाती है दैन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं मेजर इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ की इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज जी ट्वेंटी मेम्बर्स की ये भी डेलीब्रेशन करेंगी इसके साथ इंडियन स्पाइस इंडस्ट्रीज के साथ और इंडिया जो है लार्जेस्ट uh, प्रोड्यूसर है और इसके अलावा लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्पाइसिस का और इस साल स्पाइस स्पाइसिस बोर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस को क्योंकि इंडिया के पास मेंबरशिप जो है प्रेजिडेंसी जो है जी ट्वेंटी की इंडिया के पास है और इसीलिए स्पाइसिस बोर्ड जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है फोर्टीन एडिशन जो है ये ओवरऑल किसके बारे में होगा स्पाइसिस के बारे में होगा और थीम क्या है इस साल की विजन ट्वेंटी थर्टी स्पाइसीज दैट इज सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्टिविटी इनोवेशन कोलेबोरेशन एक्सीलेंस एंड सेफ्टी स्पाइसीज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं वन ऑफ द फाइव कॉमोडिटी बोर्ड्स हैं जो फंक्शन करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑटोनोमस बॉडी है ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी एक्सपोर्ट प्रमोशन करना फॉर द फिफ्टी टू शेड्यूल्ड स्पाइसीज एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्डमम कार्डमम जो इलायची होती है छोटी इलायची और बड़ी इलायची इसको भी प्रमोट करना है मेन फंक्शंस क्या है रिसर्च डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज काडमो देन स्पाइसीज की पोस्ट हार्वेस्ट जो इम्प्रूवमेंट है उसको देखना एक्सपोर्ट को प्रमोट करना जितने भी स्पाइसीज हैं और एक्सपोर्टर्स को असिस्ट करना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट पे अपने ब्रांड को प्रमोट करने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वहाँ पे स्पाइसीज की डेवलपमेंट के लिए काम करना देन रेगुलेशन जो है स्पाइसीज की क्वालिटी को लेकर एक्सपोर्ट्स को लेकर उसको अंडरटेक करना थ्रू इट्स क्वालिटी वैल्यूएशन सर्विसेज इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एमएसपी में इंक्रीज़ जितनी भी रबी क्रॉप्स हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग सीजन ऑफ 2023-2024 उसके लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है एम एस बढ़ाने के लिए हाइएस्ट इंक्रीज़ जो है देखा गया लेंटिल्स को लेकर जो दाले होती हैं और फाइव हंड्रेड रुपीज पर क्विंटल का हाइक इसमें दिया गया है बढ़ाया गया।, गया है और बार्ले जो है, है बार्ले में इंक्रीज जो है, इन है विद यूनियन बजट ऑफ ट्वेंटी जहाँ पे अनाउंस किया गया था कि एमएसपी जो है वो मिनिमम ऑफ वन पॉइंट फाइव टाइम्स होगा ऑफ द ऑल इंडिया इट मीन इंडिया की जो एवरेज प्राइस होगा या एवरेज कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की उससे 1.5 टाइम्स जो है एमएसपी प्रोवाइड किया जाएगा एमएसपी के बारे में पढ़ लेते हैं एमएसपी एस स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये ऐसा रेट है जिस जिसपे गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप्स फार्मर से और ये कैलकुलेट किया जाता है ऑफ एटलीस्ट वन एंड हाफ टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाई फार्मर्स जो अभी हमने डिस्कस किया और क्रॉप्स जो है एम के अंडर ये ट्वेंटी टू मैंडेटेड क्रॉप्स हैं और गवर्नमेंट को कौन रिकमेंड करता है प्राइजिस के बारे में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में ऑलरेडी इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके अलावा शुगर के जो है उसके लिए एम नहीं बल्कि फेयर एंड रूमरेटिव प्राइजेज दैट इज एफ डिसाइड किया जाता है इसको भी सी रिकमेंड करती है देन सी जो है अटैच्ड ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स फार्मर्स वेलफेयर मैंडेटेड क्रॉप्स जो हैं 22 में से 14 क्रॉप्स जो की है की हैं रबी क्रॉप्स हैं इसके अलावा दो अदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं और एम जो है जैसे तोरिया हो गया और डी हस्ट कोकोनट ये भी फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एम एस पी ऑफ रेप सीड मस्टर्ड एंड कोपरा नेक्स्ट देखते हैं सारंग फेस्टिवल एट्थ एडिशन जो है सारंग फेस्टिवल का एनुअल फ्लैगशिप कल्चरल प्रोग्राम है एम्बेसी जो है इंडिया की साउथ कोरिया में वो सेलिब्रेट करती है ये सेप्टेम्बर थर्टी से लेकर अक्टूबर फोर्टीन तक सेलिब्रेट किया गया ऑफलाइन मोड में डिफरेंट लोकेशंस जो हैं कोरिया की साउथ कोरिया की वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया और दो साल के बाद ये ऑफलाइन मोड में सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि तो उससे पहले कोविड नाइन्टीन रिस्ट्रिक्शंस थी सारंग जो है एक एक ऐसा इंडियन कल्चरल फेस्टिवल है जो इंडिया के कल्चर को और डाइवर्स हेरिटेज जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है कोरियन सोसाइटी में और वर्ड सारंग जो है इसका मतलब क्या है दोनों के लिए कुछ डिफरेंट uh, इंटरपटेशन है मीनिंगफुल इंटरप्रटेशन हैं जैसे कोरियंस के लिए इसका मतलब है लव और इंडियंस के लिए इसका मतलब है डाइवर्सिटी जो रिप्रेजेंट करती है इंडिया के डिफरेंट कलर्स को और इस फेस्टिवल के अंडर क्या है कि रिच कल्चरल डाइवर्सिटी जो है इंडिया की वो रिप्रेजेंट की जाती है थ्रू वेरियस आर्ट आर्टफॉर्म जैसे डांस हो गया ड्रामा म्यूजिक फिल्म एंड श्यूजाही डिपिक्शन जो है इंडिया की वो इसलिए है कि जो लोकल कोरियन कम्युनिटी है उसको अट्रैक्ट किया जा सके और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके और लव एंड फ्रेंडशिप जो है वो इस्टेब्लिश की जा सके और और ज़्यादा स्ट्रेंथन की जा सके नेक्स्ट है काटी बिहू फेस्टिवल ये स्पीशियस फेस्टिवल है कौन सी स्टेट का असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है एटीनथ अक्टूबर ट्वेंटी को सेलिब्रेट किया जाता है और ये फर्स्ट डे होता है काटी मंथ का अकॉर्डिंग टू एसमीज कैलेंडर और जनरली ये कब आता है अक्टूबर में काटी बिहू ऑल्सो नोन कोंगाली बिहू और ये क्रूशियल फेस है फार्मर्स का फार्मर्स की लाइफ का असम में इस दिन फ्रेच स्टार्ट होता है हार्वेस्ट सीजन का और राइस सेपलिंग्स जो है उनको रीलोकेट किया जाता है टोटल तीन बिहू फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं आसाम में पढ़ेंगे इसके बारे में और काटी जो है उनमें से वन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का और काटी का मतलब क्या है कटिंग और ये क्या सिग्निफाई करता है ऐसा टाइम सिग्निफाई करता है ईयर का जब ग्रैनरीज जो है यूजली खाली हो जाती हैं और कुछ खास खाने को नहीं बचता इस टाइम बिहू के बारे में पढ़ लेते हैं बिहू जो है मेन फेस्टिवल है असम का तीन बार सेलिब्रेट किया जाता है एक साल में तीन टाइप का बिहू है रोंगाली और बोहाग बिहू जो अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है कुंगाली और काटी बिहू जो अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है एंड भोगाली और, और माघ बिहू जो जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है रोंगाली और बोहाग बिहू जो है एसमीस न्यू ईयर है एंड स्प्रिंग फेस्टिवल है जैसे सिक्स में बैसाखी आती है ऐसी असम में रोंगाली और बोहाग बिहू आता है बोहाग बहू जो है अप्रैल थर्टीन से अप्रैल ट्वेंटी वन तक चलता है ये भी हार्वेस्ट या सोइंग फेस्टिवल इसको बोल देते हैं फेस्टिव फूड क्या होता है बेसिकली पिट्ठा जिसको राइस केक बोलते हैं एंड लारूस जो ट्रेडिशनल फूड है जो बनाया जाता है राइस कोकोनट से मैन एंड वीमेन दोनों ही ट्रेडिशनली मूगा सिल्क जो है गोल्डन सिल्क डालते हैं पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो इसके अलावा बिहू ढोल जो है ट्रेडिशनल ड्रम वो भी बजाया जाता है ये भी आप पिक्चर्स में देख सकते हो नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड ब्लॉक चेन सम्मिट वर्ल्ड ब्लॉक चेन सम्मिट जो है कहाँ पे हुई है ये दुबई में सेवनटीन से एटीनथ अक्टूबर एट अटलान्टिस तप्पाम में यह दुबई की एक प्लेस है वन ऑफ द मोस्ट एलिट गैदरिंग थी ये ग्लोबल क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की ट्वेंटी सेकेंड ग्लोबल एडिशन था ये वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट का इसमें वर्ल्ड के जो लीडिंग क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं पॉलिसी मेकर्स हैं की गवर्नमेंट डेलीगेट्स मीडिया फैमिली ऑफिसिस और इससे रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और ब्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इसमें ब्लॉक्स की चेन बना दी जाती है और इन ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन होती है कोडेड लैंग्वेज में और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है ये जो एग्जिस्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स पे एट द सेम टाइम और ये लगातार जो है ग्रो हो रहा है और हम देखते हैं इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन है वन ऑफ द एप्लीकेशन जो है फाइनेंशियल सिस्टम में है कि बैंक जो हैं वो कस्टमर का डेटा ब्लॉक चेन सर्वर पर सेव कर सकते हैं ब्लॉक चेन करेंसी भी हमारे पास फर्स्ट जो ब्लॉक ब्लॉक चेन करेंसी थी वो कौन सी थी बिटकॉइन और भी बहुत सारी करेंसीज आ गई हैं देन मेडिकल सेक्टर में इस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है पेशेंट डेटा स्टोर करने में और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं तो ये कुछ एमसी क्यूज है लास्ट सेशन के इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच